अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नबील अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं मैकेनिकल डिज़ाइनिंग। तो आज हम कैटिया पर एग ट्रे डिज़ाइन करना सीखेंगे कि हम कैटिया पर एग ट्रे कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो इसके लिए जनरेटिव शेप मॉड्यूल को सिलेक्ट करेंगे। वाई और जेड प्लेन को सिलेक्ट करके स्केच पे जाएंगे और यहाँ पर स्प्लाइन की कमांड लेकर अपनी मर्जी से एक शेप बना लेंगे। इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। एग्जिट बेंच करेंगे और 3D में जाएंगे और यहाँ पर पैटर्न की कमांड यूज करेंगे, सर्कुलर पैटर्न की। रेफरेंस एलिमेंट को सिलेक्ट करके हमने जेड एक्सिस को सिलेक्ट किया और एंगुलर स्पेसिंग हमने 90 डिग्री पे कर दिया इसको। अब लाइन कमांड की मदद से इन दोनों के लाइंस के पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे, ओके करेंगे और मल्टी सेक्शन सरफेस की कमांड से इनको फिल कर देंगे। अब दोबारा फिर से सर्कुलर पैटर्न की कमांड लेंगे, पैरामीटर्स में कंप्लीट क्राउन करेंगे, रेफरेंस फिर से जेड सेलेक्ट करेंगे और नंबर ऑफ आइटम्स 4 कर देंगे। यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे पार्ट मॉड्यूल में, दोबारा जाएंगे और सरफेस को थिकनेस देंगे। थिकनेस हम अंदर की तरफ रखते हैं, इनसाइड। अब दोबारा से सेलेक्ट करेंगे कमांड और इसकी भी सेम पहली तरह। अब टूल पे जाकर यहाँ पर से सरफेस को हाइड कर देंगे। लाइन को हाइड कर दिया हमने। अब रेक्टेंगुलर पैटर्न की कमांड से इनके नंबर ऑफ आइटम्स को बढ़ाएंगे। सेकंड डायरेक्शन पे जाएंगे और यहाँ पर रेफरेंस एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे, दोबारा से फर्स्ट डायरेक्शन पे आए और स्पेसिंग हमने देन स्टार्ट कर दी। अब इतनी स्पेस देनी है कि ये आपस में टच हो जाए। mm कर देते हैं स्पेसिंग इसकी। अब दोबारा सेकंड डायरेक्शन पे आए और यहाँ पर भी स्पेसिंग 117 mm कर दी हमने। अब नंबर ऑफ आइटम्स को बढ़ाएंगे और फर्स्ट डायरेक्शन में इनके नंबर ऑफ आइटम्स जो कि बनते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, अब दोबारा से सेकंड डायरेक्शन में भी इसी तरह ही नंबर ऑफ आइटम्स को हमने 7 कर दिया। ओके करेंगे। तो इस तरह से ये एक एग ट्रे बनी हुई आपको नज़र आ रही है।
मटेरियल कमांड पे जाएंगे और अप्लाई मटेरियल करेंगे। शेप रिव्यू में गए और यहाँ से कोई भी कलर उठा कर उसके ऊपर हम लगा सकते हैं। तो हमने ब्राउन कलर, डल ब्राउन कलर इस पर अप्लाई कर दिया। अप्लाई मटेरियल करेंगे, ओके करेंगे, तो इस तरह से ये कलर इसके ऊपर अप्लाई हो गया। दोबारा पर डल ब्राउन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसके कलर को सेट करेंगे। ओके कर देंगे। तो इस तरह से ये आपको एक एग ट्रे बनी हुई नज़र आ रही है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।